नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे दो गाड़ियों का। पहली है टाटा हैरियर, दूसरी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। टाटा हैरियर का हमने XM प्लस वेरिएंट लिया है और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट लिया है। वहां पर आपको 4x4 और 4x2 दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियां आपको 20 लाख रुपए की कीमत में मिल जाती है ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्सेस टाटा हैरियर में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की और आपके लिए दोनों में से एक बेहतर गाड़ी चुनने की। सबसे पहले बात की जाए इंजन पावर की, तो भाई टाटा हैरियर में आपको 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन मिलता है जो 167 bhp जनरेट करता है 350 Nm टॉर्क के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन के पावर फिगर्स का। तो दोस्तों यहां पर आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन मिलता है। वैसे तो स्कॉर्पियो एन में पेट्रोल इंजन भी आता है, लेकिन यहां पर हम डीजल इंजन की ही बात करेंगे क्योंकि भाई हैरियर भी डीजल ही है। तो दोस्तों अगर आप स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो यहाँ पर आपको 132 bhp और 300 Nm टॉर्क मिलेगा 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ। लेकिन अगर आप Z4 ऑटोमेटिक में खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको सेम 2.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से 172 यानी 172 bhp मिलेगी 400 Nm टॉर्क के साथ। तो दोस्तों सीधी सीधी 40 bhp और 100 Nm टॉर्क की ज्यादा हो जाएगा स्कॉर्पियो एन का ऑटोमेटिक वाला वेरियंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाले से। हैरियर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है, यानी कि उस गाड़ी के आगे के दो पहिए जान लगाते हैं। अगर गाड़ी कहीं फंस भी जाए तो आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन रियर व्हील ड्राइव है, यानी कि इस गाड़ी के पीछे के दो पहिए जान लगाते हैं। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए गाड़ी काफी बेहतर है। लेकिन दोस्तों अगर आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग करनी है, तो स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर आपको Z4 में 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है 4x2 के साथ साथ। दोस्तों अगर आपको स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट 4x4 के साथ चाहिए तो भाई यहाँ पर आपको 132 bhp यानी 132 bhp और 300 Nm टॉर्क वाला ही लेना पड़ेगा, उसी में आपको 4x4 मिलेगा। लेकिन भाई अगर आपको Z4 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो वहां पर आपको 4x4 नहीं मिलेगा, आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिलेगी, यानी कि पीछे के पहिए जान लगाते हैं और रियर व्हील ड्राइव भी काफी अच्छी होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस का। अगर आपको स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट खरीदना है 4x4 के साथ तो भाई यहां पर आपको लगभग 19,80,000 रुपए पे करने पड़ेंगे ऑन रोड कीमत के लिए। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4x2 चाहिए तो ये Z4 आपको लगभग मिल जाएगा 18,80,000 रुपए की कीमत में ऑन रोड इंडिया के किसी भी सिटी। अब बात की जाए टाटा हैरियर के ऑन रोड कीमत की, तो भाई टाटा हैरियर का XMS वेरिएंट लगभग आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएगा 20 लाख रुपए में। लेकिन अगर आपको XMS ऑटोमेटिक के साथ चाहिए तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा XMS AT, ये लगभग आपको मिलेगा इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड 21,60,000 रुपए तक की कीमत में। मतलब दोस्तों प्राइस पॉइंट की हिसाब से देखा जाए तो हैरियर के दोनों ही वेरिएंट स्कॉर्पियो एन से महंगे हैं। दोस्तों अगर आप सहारनपुर के आसपास से हैं और अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई ओनरशिप रिव्यू बिल्कुल फ्री किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन दोस्तों शर्त ये है आपको सहारनपुर आना पड़ेगा बस। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की, देखते हैं आपको हैरियर के XMS वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग, ABS, पावर डोर लॉक, एंटी थिफ्ट अलार्म, डुअल एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश सेंसर, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मेडिगेशन, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, ऑल फोर डिस्क, हिल असिस्ट, फॉलो मी होम हेडलाइट, रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं सेफ्टी के नाम पर हैरियर के XMS वेरिएंट में आपको। लेकिन दोस्तों इधर देखा जाए स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी, रियर सीट बेल्ट, एडजस्टेबल सीट्स, क्रैश सेंसर, EBD, एंटी पिच ड्राइवर विंडो,
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको स्कॉर्पियो एन के जेड फोर वेरियंट में। तो दोस्तों इंजन वाइज देखा जाए तो भाई स्कॉर्पियो एन का जेड फोर वेरियंट ऑटोमेटिक वाला हैरियर से आगे निकल गया था, लेकिन सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो भाई इतने पैसों में आपको सेफ्टी हैरियर में ज्यादा मिलेगी स्कॉर्पियो एन से। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो एन में सेफ्टी फीचर्स कम है तो वो गाड़ी सेफ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की काफी अच्छी है, फीचर्स थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की आपको बिल्कुल लोहालाट मिलने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको टाटा हैरियर के XMS वेरिएंट में मिल जाता है 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ऑल फोर पावर विंडो, रियर एडजस्टेबल हेड रेस्ट, कीलेस एंट्री, बेंच फोल्डिंग रियर सीट, USB चार्जिंग पोर्ट फ्रंट और रियर में, तीन ड्राइव मोड्स, इको सिटी स्पोर्ट्स, फैब्रिक सीट्स, एनालॉग प्लस डिजिटल स्पीडोमीटर, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6 स्पीकर्स, टच स्क्रीन 7 इंच की, 7 इंच टच स्क्रीन विद 8 स्पीकर्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB ऑक्स पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको टाटा हैरियर के XMS वेरिएंट में कंफर्ट और कन्वीनियंस के नाम पर। लेकिन अब बात की जाए स्कॉर्पियो एन के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको Z4 में मिल जाता है पावर स्टीयरिंग, ये तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, ऑल फोर पावर विंडो, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, रियर रीडिंग लैंप ये भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, फ्रंट और रियर एडजस्टेबल हेड रेस्ट दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, रियर AC वेंट ये भी दोनों गाड़ियों में मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर्स, हैरियर में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा लेकिन स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में आपको ओनली रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलेंगे, कीलेस एंट्री, स्कॉर्पियो एन के फ्रंट में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा लेकिन हैरियर में आपको रियर में भी मिलता है। बात की जाए स्कॉर्पियो में, तो स्कॉर्पियो में आपको रियर में सी टाइप वाला मिलेगा, USB वाला नहीं मिलता चार्जिंग पोर्ट, फैब्रिक सीट अपोलिस्ट्री, डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर, डुअल टोन डैशबोर्ड दोनों ही गाड़ियों में मिलता है आपको, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सीट लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, 8 इंच टच स्क्रीन, 4 स्पीकर्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑक्स USB पोर्ट के साथ मिल जाती है आपको स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में भी। तो दोस्तों इंजन के मामले में तो भाई स्कॉर्पियो विनर हो गई थी लेकिन सेफ्टी के मामले में टाटा हैरियर बेहतर थी, लेकिन कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में फिर से स्कॉर्पियो का Z4 वेरिएंट यहां पर विनर हो गया है, क्योंकि यहां पर आपको इतने पैसे देने के बाद क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी लेकिन हैरियर में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी जो काफी लैग भी करती है, और उसके बाद वहां पर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ हैरियर में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी नहीं मिलता लेकिन वहां पर आपको 8 स्पीकर जरूर मिल जाएंगे, और स्कॉर्पियो में आपको ओनली 4 ही स्पीकर मिलेंगे। 4 स्पीकर ऐसे हैं भाई, हैरियर में आपको जो स्पीकर मिलेंगे उनके साथ साथ आपको 4 तो ट्विटर्स मिलने हैं और 4 ही स्पीकर मिलने हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको ट्विटर्स नहीं मिलेंगे, ओनली 4 स्पीकर दिए गए हैं। तो दोस्तों स्कॉर्पियो एन कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स में हैरियर से आगे निकल गई है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में आपको बात की जाए स्कॉर्पियो एन से, तो यहाँ पर आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलेंगे अगर आप इसका Z4 वेरिएंट लेते हैं, उसके साथ साथ LED टेल लैंप्स, ORVM माउंट इंडिकेटर, रियर वाइपर, वाशर, डिफोगर, व्हील कवर्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ Z4 में आपको रियर स्पॉइलर भी मिल जाता है, रूफ रेंज शायद नहीं मिले। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्कॉर्पियो एन में सनरूफ भी चाहिए तो भाई आपको Z4 छोड़कर Z6 की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन Z6 में दो प्रॉब्लम है, एक तो वो आपको पेट्रोल इंजन के साथ नहीं मिलेगा, दूसरा वहां पर आपको 4x4 नहीं मिलेगा। अब बात की जाए टाटा हैरियर के एक्सटीरियर के फीचर्स की जो आपको XMS में मिल जाते हैं, तो यहां पर आपको प्रोजेक्टेड हेड लैंप्स, स्कॉर्पियो में आपको डुअल बैरल हेड लैंप्स मिलते हैं हेलोजन में, लेकिन हैरियर में आपको प्रोजेक्टर सिंगल प्रोजेक्टर हेड लैंप्स मिलते हैं हेलोजन में। रियर स्पॉइलर आपको यहां भी मिलता है रूफ रेल के साथ, लेकिन यहां पर आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, तो वहां पर आपको फायदा हो जाता है। स्कॉर्पियो में आपको इतने पैसे देने के बाद भी LED या फिर हेलोजन किसी तरह की कोई DRS नहीं मिलती फ्रंट में, और तो और फोग लाइट्स भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मतलब टाटा हैरियर के XMS में आपको कॉर्नरिंग फोग लैंप्स, LED DRLs, रियर वाइपर, वाशर, डिफोगर तीनों चीज मिलने लगती है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में जो जरूरी चीजें हैं वो आपने अभी अभी देखी ली, और दोनों का प्राइस भी मैंने आपको बताई दिया। हैरियर आपको लगभग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पड़ेगी 21.5 लाख रुपए की, लेकिन अगर मैनुअल लेंगे तो पड़ेगी 20 लाख रुपए की। बात की जाए स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट की, अगर आप इसको 4x4 के साथ लेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में तो पड़ेगा लगभग 19,80,000 रुपए का, लेकिन अगर आप 4x2 ऑटोमेटिक खरीदते हैं Z4 वेरिएंट को, इसमें आपको पावर कम कर दी जाएगी लेकिन ये मिल जाएगा आपको लगभग 18.5 लाख रुपए का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वो जिसके लिए आपने अभी तक वेट किया। भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं स्कॉर्पियो एन आपको 7 सीटर मिलती है इतने पैसे देने के बाद, लेकिन हैरियर आपको 5 सीटर मिलेगी, लेकिन दोस्तों बूट स्पेस आपको फिर
हैरियर में ज्यादा मिलेगा और स्कॉर्पियो एन में कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी देखा जा सकता है, स्कॉर्पियो एन की 7 सीटें आप रोज तो यूज करने वाले नहीं है, अगर आप पीछे की 2 सीटों को फोल्ड कर देंगे तो स्कॉर्पियो एन में भी आपको भर भर के बूट स्पेस मिलने वाला है, कोई कमी वहां भी नहीं है। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए वैसे तो सेफ्टी फीचर्स आपको हैरियर में ज्यादा मिलते हैं थोड़े से स्कॉर्पियो से, लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों गाड़ियां इक्वल हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों ही इंडियन ब्रांड है। तो दोस्तों अपनी सेफ्टी पर दोनों ने ही काफी अच्छा ध्यान दिया है। इंटीरियर में देखा जाए तो भाई इंटीरियर में 2-4 फीचर्स आपको स्कॉर्पियो एन में ज्यादा मिल जाते हैं हैरियर से। हैरियर देखने में आपको थोड़ी गंजी सी लगेगी अंदर से, लेकिन स्कॉर्पियो आपको ठीक ठाक लगेगी देखने में, स्कॉर्पियो यहाँ पर बेहतर है। पावर की बात की जाए तो दोस्तों आपको स्कॉर्पियो Z4 में मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपको हैरियर से कम पावर मिलेगी, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो एन का Z4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो वहां पर आपको हैरियर से ज्यादा पावर मिलेगी। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी अगर आप अभी भी गाड़ी बुक करते हैं तो लगभग आपको 1.5-2 साल बाद ही मिलेगी, लेकिन हैरियर आपको लगभग 3-4 मंथ की वेटिंग के बाद मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो आपको बिल्कुल हैरियर या फिर सफारी की ओर जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आप वेट कर सकते हैं, आपको थोड़े दिन बाद गाड़ी चाहिए तो आप बिल्कुल स्कॉर्पियो एन की ओर ही जाएं, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फंडा ये भी है, जब तक आपकी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी का टाइम आएगा तब तक इस गाड़ी का प्राइस लगभग 19.5 लाख से बढ़कर कहीं ना कहीं 22.5 लाख रुपए तक तो चला ही जाएगा, लेकिन भाई उसके साथ साथ हैरियर का प्राइस भी तब तक बढ़ ही जाएगा, लगभग 21.5 लाख से बढ़कर हैरियर भी कहीं ना कहीं 23 लाख रुपए की हो जाएगी। अब दोस्तों मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों की सभी बातें बता दी, अब दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी दोनों में से ज्यादा अच्छी लगती है या फिर आप कौन सी खरीदने वाले हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।